अगले दिन एक सुबह क्लाइंट का फोन आता है अरे यार तुम्हें पता नहीं था मार्केट इतना गिर गया हम लोग एग्जिट कर जाते तो अच्छा था स्टार्टेड मतलब पैनिकिंग hmm. मेरा पंद्रह लाख का नुकसान हो गया दस लाख का कुछ ऐसा फिगर बताया तो मैंने मेरा पोर्टफोलियो खोल के दिखा उस दिन टू सी का दिखा रहा है लॉस हाँ आपका पूरा पोर्टफोलियो जितना भी होता आज मेरा लॉस हुआ है <laughs> लोग क्या गलत कर बैठते हैं दे Normally आप किसी भी इंसान से कि कितना रिटर्न चाहिए तो बोलेगा सब ज्यादा ही चाहिए किसको कम चाहिए लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि अगर 100 का 90 होता है नींद उड़ेगी की 10 15 20 25 30 साल जितना लंबा रखोगे उतना ज्यादा से बनाओगे 8 साल हो गए उस एस को और उस फंड का रिटर्न टू हेलो गाइस वेलकम बैक टू आर चैनल लास्ट टाइम जब गजेंद्र सर हमारे साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने आए थे तो हम लोगों की जर्नी कवर की थी आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया उस पर्टिकुलर वीडियो को और बहुत सारे लोग आई एम श्योर sure, इंस्पायर होंगे कि वो भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करें स्पेशली म्यूचुअल फंड के थ्रू अब जब हमने ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया तो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरी या फिर एक रिपीटेटिव क्वेरी हमारे पास बार बार आती रही कि ऐसे कौन से फ़ंड्स हैं जहाँ गजेंद्र सर इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम भी वो उस फॉलो कर सके या फिर एटलीस्ट गजेंद्र सर का माइंडसेट क्या होता है जब वो इन्वेस्ट करते हैं और क्या थॉट प्रोसेस के साथ वो फंड सिलेक्ट करते हैं अपने खुद के पोर्टफोलियो के लिए ताकि आप भी उससे इंस्पिरेशन ले सके सो इन कंटिन्यूशन विद प्रीवियस पॉडकास्ट हम ये प्रॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि हम गजेंद्र सर से ही सीख सके कि उनका थॉट प्रोसेस क्या रहता है कैसे वो इन्वेस्ट करते हैं कैसे वो अपना म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं सो टू बिगिन विद सर सबसे पहले बताइए आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है या फिर ऑन दी कॉन्ट्ररी लोग क्या गलत कर बैठते हैं व्हेन दे सिलेक्टिंग द म्यूचुअल फंड बिल्कुल

कैसे कौन से फंड्स में गजेंद्र सर ने पैसे डाले हैं Correct. ताकि मैं डाल सकता हूँ और मैंने शायद लास्ट टाइम आपको बताया था कि देखो यू नो you know, अगर मैं आपको सचिन का बैट दे देता हूँ तो आप उससे सेंचुरी मार सकते हो क्या आंसर नो नो राइट आपको सचिन बनना पड़ेगा तो right. so, आज वाले सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम सचिन कैसे बन सकते हैं राइट दैट इज द होल ऑफ दिस थिंग सो सचिन बनने के पहले से क्या होता है जब मैं जब मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मिलता हूँ कुणाल सो वॉट आई सी इज़ उनका एक अपना फ्रेमवर्क रहता है राइट right. और मैं आई एम श्योर हमारे जब व्यूअर्स देख रहे होंगे तो वो समझ पाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा करूँ और एक मेरे दोस्त हैं आशीष मोदानी उन्होंने ये फ्रेमवर्क बनाया था मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब कोई नया इन्वेस्टर मार्केट में आता है तो वो उसको एंटरटेनमेंट के रूप में लेता है राइट right. चाहे वो इन्वेस्टिंग हो चाहे वो ट्रेडिंग हो उसको right. लगता है यार ये फन है बिटकॉइन में बैठे बैठे कर सकता हूँ एंटरटेनमेंट के बाद उसको रियलाइज होता है यार ये फ़न नहीं है ये ईजी नहीं है तो वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है कौन सा राइट चल रहा है कौन सा रॉन्ग right. कर रहा है उसकी मिस्टेक्स होती है जब वो एक्सपेरिमेंट भी काम नहीं करता ना उसको फ्रस्ट्रेशन आने लग जाता है कि यार यहाँ डाले पैसे खराब हो गए यहां डाले नहीं बने यहाँ नहीं फ्रस्ट्रेशन जिस दिन उसको होता है तब उसको रियलाइजेशन स्टार्ट होती है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है एंड दैट इज वेन द वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट राइट तो अगर आज हमारे जो व्यूअर्स है अगर उनको ये स्टेज उनको देखना है कि वो कौन से स्टेज में अगर उनको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि है, मैं कहीं भी डालो नहीं बन रहा है आई थिंक दिस इज ग्रेट पॉडकास्ट टू नाउ गेट स्टार्टेड सो so, उसके लिए क्या होता है एंड सेकेंड चीज हमने क्या देखा है कि फ्रेमवर्क बहुत सारा टाइम हम जब ये पॉडकास्ट करते हैं तो लोग बोलते हैं कि यार मुझे वो स्टॉक बता दो वो म्यूचुअल फंड बता दो सेक्टर बता दो टिप दे दो कुनाल, मैंने 20 साल में रियलाइज किया कि वो टिप या वो फंड या वो सारी चीजें मिला के फाइव परसेंट होती है okay. no. अच्छा बहुत लोग इतना समय डालते हैं कि इज दिस अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट मार्केट टाइमिंग hmm. आज डालू कल डालू कितना डालू दैट इज ऑल्सो फाइव उससे भी फर्क नहीं पड़ता उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता राइट अच्छा बहुत लोग ये बताते हैं कि मुझे लो कॉस्ट चाहिए यू you नो know, मैं डायरेक्ट में करना चाहता हूँ दैट इज ऑल्सो फाइव परसेंट मतलब ये सारी चीजें दस परसेंट के अंडर में आती है टैक्सेस आप क्या पे करते हो कॉस्ट क्या पे करते हो आपने कौन सा सिक्योरिटी लिया है डजेंट मैटर द बिगेस्ट थिंग दैट मैटर्स इज योर बिहेवियर राइट देट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन द मार्केट फंड से ज्यादा इन्वेस्टर इन्वेस्टर है, है. मैंने क्या बताया आपको सचिन बनना है hmm. सचिन का को बल्ला कोई काम नहीं आएगा राइट right. अगर मैंने आपको अच्छा स्टॉक दे भी दिया और वो सौ रुपए का था और आपने उसके दो सौ बना लिए दो सौ के बाद आपने बेच दिया तो आपने वेल्थ नहीं बनाई है right. आपने बनाए बट वेल्थ नहीं बनाई है डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिंग वेल्थ एंड मेकिंग वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग वेल्थ तो आपका जो बिहेवियर है ना वो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा एंड मे बी सेशन लाइक दिस विल हेल्प टू इम्प्रूव योर बिहेवियर जिस दिन आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना चालू कर दी देन स्टार्ट विद द बिग पिक्चर कि आपका एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए राइट मोटा मोटी आपका पैसा सौ रुपया तो कहाँ जाना चाहिए इट्स वेरी रिस्की अगेन टू पुट एवरीट इट नॉट इजी तो आपको शॉर्ट टर्म का अगर रिक्वायरमेंट का पैसा अलग लॉन्ग टर्म का अलग घर खरीदना तो उसका अलग तो वो डिसाइड करो okay. वो करने के बाद और ये दोनों चीजें मिला के आपका 90 परसेंट रोल प्ले करती है जबकि इन्वेस्टर मैंने आपको क्या बताया फंड सिलेक्शन स्टॉक सिलेक्शन मार्केट टाइमिंग दे थिंक दैट इज 90 परसेंट राइट एंड देवियर इज ओनली फाइव टेन परसेंट इट इज रिवर्स

Don't ask me goals. मतलब कि मैं क्यों कर रहा हूं, मेरे को करना है right तो ये goals के भी सब -categories हो गए क्योंकि तो आपको करना जरूर है। तो ये, ये आपने कर लिया गोल्स जब आपको पता चल गए बिकॉज अगर आपको, मैं आपको आप हम बॉम्बे में बैठे हमें पुणे जाना है सो अगर आप रेलवे स्टेशन जाते हो आपको अगर डेस्टिनेशन नहीं पता तो आप कौन सी ट्रेन पकड़ोगे

ट इज वेर यू हे टू नो योर सेल्फ सेम ही एक चीज बोलती है के वाई सी नो योर क्लाइंट हमें hmm. बोलती है कि आप यू शुड नो योर क्लाइंट बट क्लाइंट को खुद को जानना बहुत जरूरी है कि हुई एंड आई ऑलवेज बिलीव इफ यू डोंट नो हु मार्केट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस टू फाइंड आउट किसी गुरु ने यह बात कही थी कि आपको पता नहीं है आपको क्या रिटर्न चाहिए और आप स्टॉक मार्केट में ढूंढने आए हो तो आपका बहुत खराब एक्सपीरियंस आएगा। खुद को ढूंढने की जगह नहीं है इंसान so से पूछोगे कि कितना रिटर्न चाहिए तो बोलेगा सब ज्यादा ही चाहिए किसको कम चाहिए करेक्ट तो सबको सौ का दो बनाना है लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि अगर सौ का नाइनटी होता है नींद उड़ेगी वो, वो right. मतलब लोग को सब फुल अपसाइड चाहिए बट डाउन नहीं चाहिए right. ऐसा कोई चीज कुनाल दुनिया में नहीं होता है ऐसा कोई वही नहीं है कि खाली अपसाइड मिल रहा है hmm. जितना ज्यादा आपको अपसाइड चाहिए right. रूल है तो अगर आप अपने आपको पूछिए आज तक आपने पैसा एफ में डाला है जहां आप सात परसेंट में खुश थे मैं अगर आपको बोलता हूँ बट आपको राइट hmm. right? तो तो यू शुड आर यू ओके दैट देन क्वेश्चन यू शुड आस्क कि उसमें डाउनसाइड क्या है राइट right. मैं में या yes, तक जा right. सकता है बट लॉन्ग टर्म में आपको नौ दस तक आ जाएगा बट इफ यू टेल मी नहीं गजेंद्र मैं सात कमा रहा था मुझे अब, नौ दस में मजा नहीं मुझे पंद्रह चाहिए okay. और मैं बोलूंगा लेकिन उसमें आपका नाइनटी एट्टी जा सकता है uh. नहीं वो नहीं चाहिए

मैंने दोस्त का देख लिया वो पंद्रह अठारह टका पे है। तो अब ये मार्केट में तो काफी हुआ ही है तो वो लोग क्या करें आप आप कई बार एयरपोर्ट पे चेक इन करते हैं लाइन हाँ, लाइन में खड़े होते हैं क्यों राइट में? राइट हम कई बार जिस लाइन में खड़े होते हैं वो ज्यादा मूव नहीं करती है बाजू वाले की लाइन मूव करती है राइट, हम फिर वो छोड़ के उसमें चले जाते हैं ये वही एग्जाम्पल है मेरा नहीं चल रहा है इसका चल रहा है अरे भाई उसकी जर्नी अलग है वो इंसान अलग है

करेक्ट और उनके जो सी थे उस hmm. वक्त सी आई के नवनीत मनोज hmm. मुझे कॉन्फ्रेंस में मिले और गजेंद्र उन्होंने मजाक मजाक में पूछा गजेंद्र तो तुम कोई एस के फंड में निवेश कर रहे हो गया तो मैंने बोल दिया सर एस बी आई कैप तो उन्होंने अपना सर पकड़ लिया बोला कि यार तुमको यही फंड मिला था क्या हमारे सारे फंड अच्छा करे और hmm. ये एक है जो अभी तक अच्छा नहीं किया करेक्ट तो मैंने कहा सर मैंने आपसे पूछा मैंने आपको तो बोला नहीं कि मेरा एक कंप्लेन नहीं किया मैं तो 20 साल का गेम खेल रहा हूँ तो मुझे मालूम है ये अपना पा जाएगा अभी चल नहीं रहा बट जिस दिन चलेगा तो

बत्तीस मिनट का फंडा ना तो वो नंबर वन है करेक्ट right. मतलब एक साल पहले जब मैंने आहा. देखा था तो ये साइकल्स ऐसे डन होता तो पहला लेसन व्हाट आई वांट टू तो टेल तो दिस अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है और म्यूचुअल फंड्स ये करने का एक बहुत अच्छा तरीका है बट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं उनमें इन्वेस्ट कैसे करना है

डिसिप्लिन आएगा डिसिप्लिन से भी पहले जो क्लास नर्सरी के स्टूडेंट को भी के तो हर, हर, हर एक एसेट के लिए मैं क्या देखता हूँ कि आज के डेट में कौन सस्ता है राइट विच इज लो अगर इक्विटीज बहुत ज्यादा गिरा हुआ है तो खरीदो गोल्ड बहुत ज्यादा गिरा हुआ है तो गोल्ड खरीदो राइट सो किसी दिन मान लीजिए यहाँ पे है और गोल्ड यहाँ पे है मैं अच्छा खासा पैसा इक्विटी से निकाल के गोल्ड में डाल दूंगा गोल्ड म्यूचुअल फंड गोल्ड एफ के थ्रू एंड आई विल वेट फॉर दैट तो सर इसमें एक बहुत बड़ा गेम ऑफ पेशेंस भी हो जाता है कि वो लो है वो लो चलते ही जा रहा है दो साल चार साल पांच साल के लिए तो वहां पे आप क्या करते हो आप डालते ही रहते हो पांच yes. साल होवर्ड मार्क्स hmm. जैसे लोग वॉरेन बफेट को जानते hmm. हैं होवर्ड होवर्ड मार्क्स को बहुत कम लोग जानते हैं एंड बीस साल से उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखे हैं उनकी किताब इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई वुड वुकरेज ऑल द व्यूअर्स टू रीड दैट बुक

जो नहीं चला उसमें जाना है जिस दिन वो चल जाए जा फिर वहां से निकल के दूसरे में जाना है ऑफ ऑफ योर जॉब इज इज डन तो दैट वेयर कैटेगरी सिलेक्शन म्यूचुअल फंड बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर तीन साल से लार्ज कैप नहीं चला है तो टुडे इज अ गुड टाइम टू पुट मनी इन लार्ज कैप तीन साल से फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर नहीं चला है चार साल से तो स्टार्ट निबलिंग इन स्टार्ट पुटिंग लॉट ऑफ मनी बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको बताता दो हजार आठ की मंदी में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रैश लाइक एनीथिंग तो जो दस रुपए की एनएवी थी ना वो चार रुपए थी आप दो हजार आठ से ग्यारह की बात करो ग्यारह दो हजार आठ से गिरना चालू हुआ दो हजार ग्यारह में

था दस साल मतलब दो हजार ग्यारह से दो हजार बीस नौ साल मैंने तीन लाख डाले थे अब अगर मैं बोलू की नौ साल आपने पैसा डाला और आपने डाला जब गिरा हुआ था हाँ। है ना, और उसके बाद भी पैसे नहीं बने और उल्टे टूट गए तो अब आप क्या करोगे आपका कन्विक्शन हिल जाएगा पूरा करेक्ट अभी जो भी हमने बात की बोलोगे सर ये तो होल्ड ही नहीं कर है

दिस स्टिल रिमेन्स माई वर्स्ट परफॉर्मिंग फॉन इन दैट टाइप ऑफ इंडिया तो सर एक आपने साइकिल्स की बात की जैसे दो हज़ार ग्यारह में इंफ्रा आपको ऐसा साइकिल लग रहा था कि शायद यहाँ से पिक कर जाएगा हुआ वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और फिफ्टीन परसेंट के कर देगा

ये हर महीने आती है इसके अंदर इतने सारे डेटा पॉइंट्स है कि 20 साल में इंडियन इक्विटीज ने क्या रिटर्न्स दिए हैं okay. यूएस एक्विटीज ने गोल्ड ने right. एक साल तीन साल पाँच साल और सारे नंबस नंबस ये सारे नंबर्स हैं नंबर्स नॉट लाइक करेक्ट ये सब फैक्चुअल्स है आप हर महीने ट्रैक कर सकते हो तो पिछले चौतीस साल में निफ्टी फिफ्टी ने कितना रिटर्न दिया है कितने कितनी वॉलेटिलिटी आई है तो ये है तो इसमें अगर आप आगे जाओगे तो इसमें एक चार्ट जो मैं फॉलो करता हूँ जनरली कॉन्ट्रेरियन साइकिल्स के लिए

एंड नाउ दर्ड थिंग टू टॉक यूज अब देखो ना क्या चल रहा yeah, hmm. right. right. है okay. क्योंकि ये बहुत चल चुके हैं hmm. तो मैं अगेन आई लुक आउट की आज क्या नहीं चला है एंड दिस इज हाउ आई अप्रोच

कि आगे जाके ये फेवरेबल भी शायद अगले साल ना चले उसके बाद ना चले बिल्कुल बट उसके बाद शायद और चलने की चांस नहीं, नहीं चलेगा ना कुनाल, आई एम गोइंग टू बी मोर अग्रेसिव इन दैट करेक्ट एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गिव मी द हाईएस्ट रिटर्न्स करेक्ट तो सर जैसे लोग तो एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट्स में 14 15 18% रिटर्न आ जाए तो वो बहुत खुश है हाँ, अभी आपने एक लाइन बोली कि 15% जिस फंड में आपका है वो सबसे लोएस्ट परफॉर्मिंग फंड है तो आपका ओवरऑल केकर क्या है सर आज तक मेरा सारा पोर्टफोलियो का डे 1 से लेके अभी तक 20% क्या कर है ओके एंड ये इसलिए आप आया सो so, मैं एक स्लाइड बहुत अच्छी स्लाइड है मैं जो दिखाता हूँ लोगों को कि दिस इज़ वॉट आई शो एंड ये गुरमीत चड्डा करके बहुत अच्छे एडवाइजर उन्होंने ये बात आ, कही थी सो दिस इज दैट स्लाइड कि नॉर्मल एस में आपका रिटर्न लॉन्ग टर्म में किसी भी फंड में डालो तो नॉर्मल आप ये मेरा 80 परसेंट जो मेरा पैसा है उसमें कुनाल ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है कि बाइंग

कोविड के टाइम पे मैंने स्मॉल कैप में एग्रेसिव हो गया जस्ट hmm. उसके इमीजिएटली बाद मैंने पीएसयू में डालना चालू किया और hmm. चार साल तक पीएसयू को चलाया ऑटो सेक्टर में डालना चालू किया जब ऑटो सेक्टर तो जब ये सब बेट्स लिए वहाँ बीस बाईस 25 रिटर्न आए हैं okay. दैट कॉम्पनसेट्स एंड गिव यू एक्स्ट्रा थ्री फोर परसेंट तो बारह टू प्लस थ्री टू फोर सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन कुछ भी देखो तो आज मार्केट ऊपर ऐसे ट्वेंटी दिख रहा है hmm. ये ट्वेंटी भी आएगा सत्रह भी आएगा आई एम स्टिल हैप्पी करेक्ट तो वन बफेट से आप दो ही दूर हो खाली उनका 22 20 20 है आपका 24 हो गया हां तो मैं तो मानता हूं कि द वॉरन प्रॉफिट इज गॉड यू नो अगर वो 22 कर रहे हैं और मैं 20 कर रहा हूं ना राकेश वाला यूज्ड टू से कि इफ यू आर अर्निंग 18% रिटर्न यू आर किंग और आपने 22 कर लिया ये 2022 hmm. कर लिया तो यू आर एन एंपायर राइट मैं तो अपने आप को एंपरर ही मान रहा हूं राइट एंड द सेकंड गेम व्हिच आई वांट टू प्ले इज नॉट द गेम ऑफ रिटर्न्स द गेम दैट आई वांट टू प्ले इज दिस गेम मॉर्गन हाउसल बोलते हैं

आज मुझे जर्नी में लगभग पंद्रह साल हो गए हैं और बीस परसेंट का रिटर्न है आई एम लुकिंग फॉर अ डे कि आई एम प्लेइंग आई एम गेटिंग फिफ्टीन परसेंट रिटर्न एट सच लार्ज कैपिटल फॉर थर्टी ईयर तो सर जैसे आपने स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में रोटेशन बताया एक तो मार्केट कैप के हिसाब से बता दिया लार्ज मिड एंड स्मॉल करेक्ट एक आपने स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग और एक आपने सेक्टर वाइज बताया सेक्टर वाइज बताया तो बता सर आपका सारा ही पैसा और एक, इंडिया एक, में रहता है कि और एक एसेट क्लास वाइज एसेट क्लास वाइज हो गया की अगर इक्विटीज बहुत एक्सपेंसिव है गोल्ड गोल्ड है तो गोल्ड वाइज गोल्ड वाइज हो तो फोर्थ हो गया फिफ्थ हो गया सर क्या आपका सारा पैसा इंडिया में ही रहता है या फिर आप वो भी शफल करते हो सो अगेन दैट इज कॉन्ट्रेडियन सो सो अगेन आई बिलीव की जो कंट्री नहीं चली है और और कंट्री अच्छी है लेकिन आज नहीं चली आज आउट ऑफ द फेवर है राइट right. तो अगेन दैट्स एन कॉन्ट्राबेट राइट सो 2014 से लेके 19 में मैंने चाइना में डालना चालू किया था 2014 से 19 19 तक मैंने एसआईपी की मुझे मैंने जब 2014 का चाइना का देखा तो लगा बहुत खराब है हम्म तो मैंने बोला यार पैसा बनेगा एसआईपी डालते गया डालते गया 5 साल तक मेरा एसआईपी का रिटर्न है 2.5% ओके okay.

और एक साथ में इतना पैसा बन गया तो मैंने उस वक्त सेवेंटी परसेंट चाइना से निकाल लिया था गे, में, गे, में। गे, लेकिन मैंने निकाला उसके बाद भी चाइना बहुत बगया था ऊपर बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि आज वो भी बहुत बढ़िया तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है बट दो के बाद जब चाइना गिरा तब दो हजार बाईस में मुझे चाइना बहुत अट्रैक्टिव लगने लगा तो मैंने काफी पैसा अपना चाइना में डाला है

तो आज उसका स्टेटस है सात रुपए की से भी hmm. से, कि आपने 20 ,00 वैल्यू चौदह लाख चौतीस हजार हो hmm. गया क्या करोगे मैं रोक देता बट जितना आपसे सीखा हूँ समझ में आ गया कि और हो जाता। so, आप स्मार्ट बन गए राइट वन इंडियट सर वन इंडियट दैट इज द होल आइडिया स्मार्टर दस रुपए की एनएवी जब पांच रुपए आई थी मतलब पचास परसेंट टूट गया तब मैंने चालीस लाख रुपए टॉपअप किए थे बीस डाले थे डबल हो गया करेक्ट अब इसको करने और अब आप ध्यान से देखिए जो मैंने पांच रुपए की एनएवी को टॉपअप किए हैं उनका सीजियर देखो आज भी पॉजिटिव है बारह से पिक करना चालू किया वो अच्छा रिटर्न देने गया तो अब जब वापस दस आएगा तब आई विल बी मच अब वाटर राइट मुझे पता नहीं है कब आएगा यहाँ से और तीन साल पेशेंस ले सकता है हो सकता है जितना नीचे जाएगी आई विल बिकम अगेन गारंटी नहीं है कि बट दिसर वे चाइना इज नॉट लाइक यू नो पाकिस्तान या बांग्लादेश की जो इकोनॉमी hmm. है ही नहीं उनकी पर कैपिटल हमसे पांच गुना ऊपर है इकोनॉमी इज मच हायर दे आर पॉइस टू बिकम द लार्जेस्ट इकोनॉमी राइट नाउ द सेंटीमेंट इज डाउन Correct. so I like to place my bets when the sentiments are down. दिए not दिए, the fundamentals. not the fundamental. fundamentals तो अच्छे हैं but sentiment down रहते हैं. आज भी you know covid की बात हम लोग India plus one बोल रहे थे hmm. कि जब China से manufacturing खत्म हो जाएगा. China उस वक्त 35% of manufacturing capital of the world था with 35% market share. Right. Can you tell me how much today China has the market share in manufacturing? 35-40% की 35 आसपास ही होगा. 39 बड़ा है बड़ा है, बड़ा है। right. कम नहीं हुआ right. है, तो है।, है, है तो मुझे रहे है। hmm. मेरे पास अनलिमिटेड पेशेंस है ये मैं क्लाइंट्स को नहीं बताता हूँ बिकॉज वो तीन साल में थक जाएंगे बट खुद के लिए मुझे किसी को आंसर नहीं करना जैसे अभी कोई तेईस चौबीस साल का लड़का है या लड़की है जो जॉब कर रहा है

ताकि आप और प्रूडेंट और बेटर इन्वेस्टर बन सको ऑफ कोर्स अगेन इट्स अ वेरी रेडिकल स्ट्रेटजी व्हिच आई डोंट रेकमेंड आई एम कंसंट्रेटेड गाय मतलब मेरा सारा चीज कंसंट्रेटेड इट्स ऑल इन इक्विटीज राइट हालांकि मैं लोगों को बोलता हूं आप मिक्स रखो बट मुझे अगर वेल्थ बनानी है वन इडियट बनना है सौ करोड़ बनानी है तो डाइवर्सिफिकेशन से नहीं बनेगी करेक्ट मैं पीपीएफ में डालूंगा मैं यहाँ डालूंगा तो वहाँ सात परसेंट में आपकी उम्र लग जाएगी पैसा बनाते बनाते करेक्ट तो मुझे अगर फिफ्टीन सिक्सटी परसेंट कमा के वेल्थ बनानी है तो मुझे अच्छी खासी अमाउंट एस मिड कैप स्मॉल कैप और और लंबा गेम खेलना है तो मेरा सारा पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है इट्स इन एक्विटीज बट डाइवर्सिफाइड साइड ऑफ एक्टीज राइट बहुत लोग मुझे बोलते हैं यार ये तो बहुत रिस्की है बट मुझे सम्भव लगता है दिस इज द सेफेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड एंड एनल टेल यू वाई

इंस्पिरेशन uh, आपने कहीं से लिए हुए है कि आप फॉलो uh, करते हो कि इन योर योर कैरेक्टरिस्टिक आपने ऐड एक और व्यूज़ है जो माइकल लिपर ने बताया था right. मैंने आपको प्यारा है वो है एक्सट्रीम ओके ओनली एक्सट्रीम गाइज क्रिएट समथिंग राइट लोग उसको पागल बोलते हैं राइट रॉन्ग यू

बट ये तीनों होने के बाद पेशेंस पेशेंस इज द मोस्ट अनलिमिटेड पेशेंस मैंने आपको मेरा चाइना का दिखाया मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का दिखाया मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाए लेकिन हर बार मेरे पेशेंस के कारण पैसा बनाया मेरे दिमाग के कारण राइट तो जो लोग पेशेंस यू टू बाई राइट एंड सिट टाइट जो मोतीलाल का भी टैकलाइन है

तो स्ट्रेट लाइन में वेल्थ नहीं बनेगी बम्पी ही होता है में बफ़े का एग्जांपल बट लोग नहीं कमा पाते हैं क्योंकि द पावर ऑफ कंपाउंडिंग जितने कम आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लोगे ना कुनाल उतना ज्यादा वेल्थ बनेगा आपका

तुम, तुम यू नो जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे थे तो काफी लोगों ने कमेंट किया अरे आप खुश मतो, निर्मला सीतारमन जी आधा पैसा ले जाएंगी लॉन्ग टर्म बट मैं हंसता हूं कि मैंने कभी निकाला ही नहीं है तो क्या टैक्स लेके जाएंगे राइट और मैं बहुत कम चर्निंग करता हूँ आपने तो दस दस साल देखी में जब मुझे लगा एक्सट्रीम आ गया

क्योंकि वो स्मॉल कैप डाइवर्सिफाइड है पीएसयू hmm. तो खाली एक बास्केट है पीएसयू का right. और वो इतना बढ़ चुका है कि मुझे conviction नहीं था hmm. तो तो दैट इज हाउ आई स्टिक सर लास्ट टाइम जब हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था तो आपने डिसिप्लिन uh, के ऊपर हमारे ऑडियंस को व्यूअर्स को एक सलाह मशवरा दिया था वैसे ही सर अब मैं चाहता हूँ कि आप एसेट uh, एलोकेशन पे एसेट पेट्रेशन पे uh, कुछ टिप्स या फिर कुछ गाइडेंस हमारे व्यूअर्स को दें

अपने आपको पहचानो आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है अपने बाजू नेबर फ्रेंड सर्कल से मत कंपेयर करो केवाईसी करो खुद के साथ खुद के साथ केवाईसी करो ऑनेस्ट केवाईसी वाई सी करो Correct. ऐसा नहीं कि अभी मार्केट हाई है तो मेरा केवाईसी चेंज हो गया मार्केट लो तो केवाईसी चेंज हो गया नो योर सेल वेरी वेल बी हैप्पी विथ वॉट एवर सी आज मैं खुश क्यों हूँ क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ मेरा पंद्रह सोलह सत्रह अठारह बन जाता है हुँ. अगर आप मुझे आके गारंटी भी बोलोगे गजेंद्र मैं आपको स्टॉक टिप देता हूँ जहां पच्चीस गारंटी है नहीं आया तो पैसा मैं दूंगा तो भी मैं निकालने वाला क्योंकि तो आप और कंटेंट करेक्ट मुझे आपका आपने क्या कमाया मुझे देखना ही नहीं है आपने कमाया गुड लक थैंक यू बट नॉट एप्लीकेबल फॉर करेक्ट राइट आई एम हैप्पी विद 15 टू 18 बिकॉज़ दिस इज माय कंफर्ट जोन दिस इज आई थिंक आई नो आई कैन कंट्रोल इट राइट दिस आई कांट कंट्रोल तो मुझे वो एनवी नहीं करना है तो आप एनवी किसी के साथ मत करो कि उन्होंने क्या कमाया है थर्ड आपकी गोल्स को पहचानो क्या है गोल्स के हिसाब से प्लान बनाओ प्लान के हिसाब से एसेट एलोकेशन करो mm -hmm.

मैं अगर बेस्ट लाच लाजकअप में भी डालता ना तो उन्नीस टाइम होता और ये वर्स्ट मान लो खराब भी है ना तो थर्टी वन परसेंट क्या कर दिया बिकॉज कैटेगरी राइट करेक्ट और फंड राइट right करना इज वेरी डिफिकल्ट वो फंड मैनेजर को भी नहीं पता कि मेरा फंड कब चलेगा कब नहीं बट हाँ जब फंड सिलेक्शन करते हो तो आप उन फंड मैनेजर के पास जाओ जिनका बीस साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है right. तो मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जिस फंड मैनेजर ने बीस साल टाइम निकाल दिया ना उन्होंने लाइफ में जो गलती करनी थी कर ली अब वो गलती नहीं करेंगे जैसे आज हम जो बता रहे हैं मैंने बीस साल की जो गलती करनी थी कर ली अब वो बता रहा हूँ

जो मार्केट्स में इंटरेस्ट बहुत सालों पहले लूज कर चुके थे या तो कोई पर्टिकुलर क्रैश में उन्होंने एकदम सबसाइड दिख के पैसा अपना पूरा लूज कर लिया था तो वो मार्केट पे ट्रस्ट चला गया था उनका तो उन लोगों का ट्रस्ट वापस लाना तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है और हमारे पॉडकास्ट से वो भी आ गया था अच्छा तो <laughs> मतलब दैट वाज कमेंडेबल तो इसीलिए आई एम वेरी श्योर कि जितने व्यूवर्स हमारे आते हैं कुछ लाखों में आते हैं दो तीन लाख व्यूवर्स आते हैं वो जरूर जरूर इंस्पायर होंगे और एक सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टिंग yes, करेंगे yes. उन्होंने जो जो गलती की लास्ट टाइम वो अवॉइड करेंगे Correct. आज का वही था एंड आई होप यू नो अगर इस, इस पूरे डिस्कशन में आप एक दो पॉइंट भी पिकअप करके उसको लाइफ में अप्लाई करते हैं दैट इज गोइंग टू मेक डिफरेंस इन योर पोर्टफोलियो एंड होपफुली मे बी टेन ईयर डाउन लाइन विल रिमेम्बर दिस कॉन्वर्सेशन थैंक यू सो मच सर